सैमसंग गैलेक्सी एस टू ये मॉडल है जी। इसका मसला है चार्जिंग जैक का। ये हमने जैक लगा ली है चार्जिंग पिन, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। चलो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले बैटरी निकाल लेनी है, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको भाई, स्क्रू। हाँ, ये इसके 6 पेच हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जल्दी से इसको ओपन कर लेना है। और अगर आपके पास ये जैक इसका ओरिजिनल नहीं पड़ा हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप सादा जैक इसको लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आपको चाहिए चार्जिंग करने के लिए। और अगर आप यूएसबी भी अटैच करनी है तो उसके लिए आपको मुकम्मल जैक लगाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं वो काम हो सकता। जी जी जी, ये पेच अलहदा हो गए, यहाँ से ओपन करना है, यहाँ से। और इसके जो ऑन ऑफ वाला बटन है, वॉल्यूम वाला बटन है, उसका ध्यान रखना है, वो गिर सकते हैं। ये हमने ओपन कर लिया, ये वॉल्यूम वाला बटन उतार लिया है, वो देख लें जी, ऑन ऑफ वाला बटन उतर गया है, साथ लगा हुआ है ये। ये इसकी चार्जिंग स्ट्रिप है, ये वाली, इसको पहले हम यहाँ से अलहदा करेंगे। ये जैक है, और ये इसका नेटवर्क का एंटीना है, वायर है, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। और ये देखेंगे यहाँ से, ये हमने स्ट्रिप को अलहदा कर लिया है। स्ट्रिप को अलहदा करने के बाद इसका जैक हमने उतारना है, ये वाला इसका चार्जिंग जैक है, ये वाला, ये खराब है। और अब इसको हम उतारेंगे, ये इसको बोलते हैं जो टीका पेस्ट, हम हमारी डिश में ये टीका पेस्ट ही है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो हमने हीट के साथ उतारना है ना, इसने जैक को ज़्यादा हीट देनी है। और ये देखें जी, ये लगा दिया, और विद इन 2 से 3 सेकेंड्स ये उतर जाएगा जैक, ठीक है। ये हॉट गन है, हॉट गन को मैंने बिल्कुल तेज़ रखा हुआ है, आपने इसका जो हीट का लेवल वो 5 पे रखना है, और एयर का भी 5 पे रखना है, मैंने ये रखी हुई है 7-7 पे। ये जैक उतर गया है, ये पॉइंट इनको अलहदा कर लेना है, और यहाँ से शोल्डर भी खत्म करना है। अब मेरे पास इसका जो ओरिजिनल जैक है वो नहीं पड़ा हुआ, मैं लगाऊंगा सिंपल जैक, जो हम क्यू मोबाइल को लगता है, नोकिया के मोबाइलों को लगता है। उसके लिए हमें चाहिए 2 पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे लगेगा यहाँ पे, और नेगेटिव पॉइंट आप ग्राउंड कर दें यहाँ पे, जहाँ पे मर्जी आपका दिल करता है ग्राउंड करना है, ठीक है। यहाँ ये 2 पॉइंट है सपोर्टिंग पॉइंट जैक के, जो जैक को मजबूत रखेंगे। ये हम लगाने लगे हैं अब, ये जी यहाँ से जैक लेना है,
उसका यार जूमिंग वो जो नहीं मतलब कि ये ना करे फोकस वीडियो में। ठीक है जी जी इसका जैक ले लें, कोई सादा सा जैक ले लें, मैं ये जैक लेता हूँ ये वाला जैक। ठीक है अब ये गौर से चेक कीजिएगा ज़रा, जैक के 5 पॉइंट होते हैं, इनमें से ठीक है ये वाला पॉइंट इसका ये नेगेटिव का है जो राइट साइड पे, जो बाई साइड पे ये जी लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव का है। ये पॉइंट हम लगाएंगे स्टिप के इस तरफ, इस पॉइंट पे पॉजिटिव पॉइंट इस तरफ लगाएंगे और नेगेटिव जो पॉइंट है वो इस तरफ लगाएंगे ये ग्राउंड पे, तो हम लगाते हैं यार जरा ना हो जरा करो खत्म कर ये देखें जंपर वायर ये देखेंगे, ये जंपर वायर है, इसके हमने 2 पीस बना लेने छोटे छोटे। अच्छा जी इसको काट लें भाई, काट लें इसके साथ काटना वैसे ही काट लेते हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है भाई कि उतनी वायर को सोल्ड करना है जहाँ तक टांका लगाना, ज़्यादा नहीं। अब मैं ज़रा फोकस करने के लिए स्टिप को और ये जैक को ऊपर रख लेता हूँ। ये टांका लगा रही है ठीक है, और अब ये लगाएंगे ये लग गए तारे ठीक है। अब हमने लगा देना पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और नेगेटिव को नेगेटिव, ये देखें जी। और ये जो 2 पॉइंट है ये है सपोर्टिंग पॉइंट, ये वाले इसको लगाएंगे यहाँ पे नेगेटिव को नेगेटिव पे, पॉजिटिव को इस रेजिस्टेंस के साथ लगा देंगे। लीजिए जनाब ये देखें, ये लगा दिया ठीक है, कोई पॉइंट शार्ट नहीं है ठीक है। अब हम लगाएंगे जी जैक को, और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है जब आपने ऐसे करना है तो ये पॉइंट जो है वो शार्ट होंगे, उसके लिए डॉक्टर टेप का थोड़ा सा लगा देनी होगी।
ताकि पॉइंट जैक के पॉइंट नीचे स्टिप के पॉइंट को टच ना करे वरना सर्किट शॉर्ट होगा। ये हमने लगा दी है टेप। अब ये पॉइंट है ये लगा दी। अब इन वायर्स को साइड पर लगा देना। ये देखें ठीक है बस हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। ये माइक है ये स्टिक है और ये लगाना नहीं भूलना वरना आपके सिग्नल नहीं आएंगे मोबाइल पे। अब इसको चेक कर लेते हैं बैटरी चार्जिंग होती हो गई। ठीक हो गया चार्ज हो रहा है। ये काम आपने तब करना है जब आपके पास इसका ओरिजिनल जैक नहीं है। ये आप यूनिवर्सल जैक लगा सकते हैं किसी भी मोबाइल को लगा सकते हैं लेकिन ये मोबाइल कंप्यूटर के साथ लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके साथ हमने यूएसबी पॉइंट नहीं लगाए। उसके बाद मोबाइल को बंद कर लें। ये देखें यहाँ पे ऑन ऑफ वाला बटन लगा लें। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि शॉर्ट ना हो जाए। शॉर्ट हो गया ठीक है।
लीजिए जनाब, ये आपका चार्जिंग जैक बिल्कुल ठीक हो गया, और इतने सा काम करने का यहाँ पे मतलब कि आप कस्टमर से ये मुआवजा ले सकते हैं, 300 रुपया 400 रुपया ले सकते हैं। और अगर ये आप काम खुद कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, घर पे काम हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि आपको काम करना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, अगर काम नहीं आता तो हाथ मत लगाएं, अगर काम आता है तो फिर इसको टच भी करें, जो जो करना है करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।